हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? संजीव श्रीवास्तव। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? पांचवा दिन है। पांचवा दिन कहाँ से आते हैं आप ड्राइविंग सीखने? यही मड़ियाओं से। कितनी एज है आपकी? एज हमारी है 52। 8 साल बची हुई रिटायरमेंट में, है ना। तो आपको अब कार सीखने में क्या इंटरेस्ट आया? अरे हमने परचेज करी, इसीलिए इंटरेस्ट आया। ओके, गाड़ी परचेज कर ली है। जी, चलिए मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि संजीव जी कैसी गाड़ी चलाते हैं और क्या सीखा है इन्होंने। चलिए क्लच दबा के इंजन स्टार्ट कर लीजिए। आपने सीट बेल्ट लगा लिया, सीट थोड़ी पीछे है आपकी, हल्की सी आगे कर लीजिए। हाँ, रॉड ऊपर उठाइए थोड़ा सा आगे अपनी बॉडी को, बस। अब शायद क्लच दबा के देखिए, आपको ज़्यादा बेटर लग रहा होगा ना। पहले ऐसा लग रहा था आप लटक रहे हैं, है ना। चलो अभी कार स्टार्ट करो, क्लच दबा के स्टार्ट हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, देखो आपके सामने खड़ी है XUV 500, ठीक है। अब आप इस गाड़ी को कैसे निकालोगे? आपसे एकदम गाड़ी सटी हुई खड़ी है, अब इस गाड़ी को आप कैसे निकालोगे? थोड़ा सा रिवर्स करेंगे सर। रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी जगह पे गाड़ी आपकी निकल जाएगी। आपको करना क्या है, जैसे अभी देखो स्पेस अच्छा खासा स्पेस है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं स्पेस की, तो ये देखो अभी लगभग आपके बोनेट से और उनकी जो बैक बम्पर है वहां से करीब करीब बीच में 2 से 2.5 फीट का मार्जिन है। अब आपको करना क्या है, आप पूरा स्टेयरिंग राइट घुमा लो। पहले इंजन ऑन करो, इंजन बुझ गया आपका, ऑन करिए। हो गया, हो गया। अब राइट का सिग्नल दीजिए, हो गया। अब पहले स्टेयरिंग घुमाइए और घुमाइए स्टेयरिंग, और अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, स्टेयरिंग घुमाया, अब जाओ धीरे धीरे। चलो राइट गियर लगाया नहीं, तो गियर लगाइए ना। क्यों नहीं लगाए भाई गियर? आप कर दिया, गलत लगा रहे गियर। न्यूट्रल करो, न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं है, बीच में न्यूट्रल होता है, बीच में ये न्यूट्रल। अब लेफ्ट लेके आओ पूरा, अब लगाइए, अब लगा फर्स्ट गियर। आप इससे पहले थर्ड गियर लगा रहे थे, ठीक है। अब राइट का सिग्नल दीजिए, ये सब मिस्टेक हैं। ये फर्स्ट डे से लेके मैं आपको डेली समझाता हूँ कि गाड़ी को स्टार्ट करते वक्त क्लच दबा के स्टार्ट करना है, राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, टर्न करते वक्त सिग्नल देना जरूरी है। चलो अभी धीरे धीरे क्लच को फ्री करो, पूरा क्लच नहीं छोड़ना, उतना ही क्लच छोड़ना जितने में गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो जाए। चलो धीरे 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 टर्न करो, पूरी स्टेयरिंग नहीं टर्न करी आपने? नहीं सर, जितनी आपने यहाँ पे रोक दिया था। नहीं, पूरी और घुमाओ, और घुमाओ, पूरी 90 डिग्री से घुमाना था। अभी भी देखो स्पेस है, हालांकि निकल गई गाड़ी आपकी, स्पेस है। ये देखो अब सीधी करो स्टेयरिंग, बंद हो गई। फिर भी आपने ब्रेक दबा लिया, क्लच छोड़ दिया, स्टार्ट करिए स्टेयरिंग, अब सीधी करिए। चलो चलो जाओ धीरे धीरे, चलो बढ़ाते हुए धीरे धीरे, चलिए अभी स्टीयरिंग सीधी करो, सीधी करो और सीधी करो, बस। और लेफ्ट आओ, बस। देखिए संजीव जी, सारा गेम जो है वो है क्लच का। अगर आपने क्लच कंट्रोल करना सीख लिया तो इंजन आपके कंट्रोल में आ गया। क्लच से ही इंजन कंट्रोल होता है और इंजन से पूरी गाड़ी कंट्रोल होती है, समझ रहे हैं। तो इंजन की जो चाबी है वो है क्लच। अब अगर आपने क्लच, अब देखो स्टीयरिंग आपने गलत पकड़ रखी, पकड़ रखी है। ये जो छोटी छोटी चीजें होती यही मेन है। अभी लेफ्ट का सिग्नल दीजिए, मैंने लेफ्ट बोला आपने राइट का सिग्नल दे दिया। 50 साल की उम्र में सीखने के बाद ये दिक्कतें आती हैं, समझ रहे हैं। 50 के बाद ये दिक्कतें आती हैं। लेफ्ट आओ धीरे धीरे, और स्टीयरिंग इतना हार्ड नहीं पकड़ना। अभी कल मैंने आपको समझाया था स्टीयरिंग कैसे पकड़ा जाता है। अब पूरा फुल क्लच दबाओ और धीरे से ब्रेक, धीरे से। अब पहले राइट का इंडिकेटर दीजिए, हो गया, नहीं हुआ। अब 90 डिग्री से पूरा स्टीयरिंग पहले टर्न कर लो, इसको कहते हैं पूरा 90 डिग्री से। अब आप पहले ब्रेक को रिलीज करो, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो, और यहां से करना है आपको कार को यू टर्न। चलो धीरे धीरे, हॉर्न है गाड़ी में, थोड़ा बजाने का कष्ट करें। चलो धीरे धीरे खिसकाते रहो, खिसकाते रहो, यहाँ कोई रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई रेड लाइट नहीं, यहाँ कोई रेड लाइट नहीं, रेड लाइट नहीं है, देख रहे हो। ऐसे से समझदार लोग होते हैं, मैंने हाथ भी दिया था।
अब स्टीयरिंग सीधी करो, बस अभी क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। अब देखो आपने स्टीयरिंग राइट वाले हाथ से फिर उतनी टाइट पकड़ ली, मैं चाह के भी कैसे सही कराऊं बताइए। आप बार बार स्टीयरिंग को इतना हार्ड कर ले रहे हैं ना कि स्टीयरिंग आपका एकदम जाम हो जा रहा है, आप खुद कस ले रहे हैं उसको, मौका ही नहीं दे रहे हैं उसको स्मूथ चलने के लिए। एक क्लच है जिसमें आपको ताकत ज्यादा लगानी, बाकी किसी भी चीज में यहाँ ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सिग्नल हो, चाहे स्टीयरिंग हो, चाहे गियर लगाना हो, चाहे एक्सेलेटर हो या ब्रेक हो, हर चीज इशारों से होता है, हर चीज इशारों से होता है। बट आप पैनिक कंडीशन में थोड़ा ताकत ज्यादा लगा दे रहे हैं जिसकी वजह से चीजें और खराब हो जा रही हैं। अभी हेडलाइट ऑन करिए, लट्टू घुमाइए आगे, हाँ एक बार और, बस चलो, और गाड़ी अपनी लेफ्ट ही रखो, ज्यादा राइट जाने की जरूरत नहीं, जितना राइट रखोगे उतनी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इनको हॉर्न दीजिए, वापस लेफ्ट आ जाओ, हाँ गुड। जब अभी आपने उनको ओवरटेक किया, ओवरटेक करने के बाद जब लेफ्ट आप कार अपनी दबाने लगे, तो आपको ये कैसे पता चला, इस चीज का कैसे अनुभव हुआ कि अब मेरी गाड़ी निकल गई? संजीव जी सर, वो ये आपको मिरर देखना चाहिए था, आपने इस मिरर को नहीं देखा, वो तो तुक्का लग गया, अंधे के हाथ बटेर, समझ रहे हैं? इस मिरर को जब आप देखोगे तो इसमें प्रॉपर आपको दिखेगा कि जिस व्यक्ति को, जिस व्हीकल को आपने ओवरटेक किया है, उसकी सिचुएशन, आपकी गाड़ी के बीच का गैपिंग क्या है। उसके लिए इस लेफ्ट वाले ORBM को हर दो दो सेकंड में आपको रिकॉल करना है। अब आपके लेफ्ट में देखो ई रिक्शा आ रहा है बगल में, अब उसने राइट दबा लिया, अभी ई रिक्शा लेफ्ट में आ रहा था। ये मिरर आपके लिए बहुत हेल्प करता है, जितने भी न्यू बिगिनर हैं उनके लिए लेफ्ट वाला मिरर बहुत हेल्प करता है। गाड़ी की चौड़ाई, गाड़ी की जो चौड़ाई है राइट वाले ORBM को लेके, लेफ्ट वाले ORBM को लेके, उसमें आपकी बहुत मदद करता है ये। लेकिन ये कब मदद करेगा? जब आप इसको देखने की आदत डालोगे। जब आप इसको देखोगे नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, इसको देखना पड़ता है, उसके लिए आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप इधर नजर, होता है क्या है ना संजीव जी कि राइट वाले ORBM में तो आपकी नजर जा रही है और इसमें भी जा रही है, बट इस लेफ्ट वाले ORBM के लिए आपको स्पेशली नजर लेके जानी पड़ती है, और ये हो नहीं पाता लोगों से, नए व्यक्ति से होता ही नहीं है, क्योंकि वो सीधा चलाते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रेक छोड़ दो हाँ, उन्होंने स्कूटी और बाइक चलाई है तो उसमें सीधे ही देखना होता है भाई, बीच में बैठे हैं। ये मिरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट वाला जो आपका मिरर है बहुत जरूरी है। अगर आप इसको देखने की आदत नहीं डालेंगे तो जब कल को अपनी कार चलाएंगे तो आपको कोई या तो बताने वाला हो कि संजीव जी राइट रखो, लेफ्ट रखो, क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, या फिर तब तक कि आप इसकी आदत डाल चुके हो। और आंखों की पुतलियों को आपको लेके जाना है, ऐसा भी नहीं कि सामने से नजर हट जाए, आपकी नजर सामने भी रहनी चाहिए, और लेफ्ट वाली आंख से आपको लेफ्ट वाले ORBM को चेक कर लेना, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपके लेफ्ट में क्या चल रहा है, कोई बाइक है, स्कूटी है, या जिस व्हीकल को आपने ओवरटेक किया है तो उससे आपकी गाड़ी की दूरी क्या है। ये सारी चीजें संजीव जी यहीं से आपको मिलेंगी और कहीं से नहीं मिलेंगी। एक बार को आप राइट वाले ORBM को ना देखें तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर लेफ्ट वाले ORBM को नहीं देखेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपके लेफ्ट वाले दोनों टायर कहाँ चल रहे हैं। राइट वाले फ्लैग रॉड से आपको ऐसा देखो, यहाँ से अगर आप ड्राइविंग सीट से देखोगे तो क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है आपका टायर रूट से नीचे उतर गया, लग रहा है क्या? एक्चुअल में क्या उतरा है? नहीं उतरा है, क्योंकि ड्राइविंग सीट से हम जब, ये जो फ्लैग रॉड लगा है ये सिर्फ ओनली लगा है फ्रंट बोनट के जजमेंट के लिए, कि आपको उससे ये हेल्प मिलती कि आपकी गाड़ी की लंबाई वहां तक है, आपकी गाड़ी की लंबाई वहां तक है, बस ये मदद मिलती है। बाकी इस फ्लैग रॉड का कोई रोल नहीं है, इससे ना तो आपको साइड का जजमेंट, बस आपको बोनट का अंदाजा मिलता है, इससे ये पता चल सकता है कि मेरी गाड़ी का जो बोनट है वो कहाँ तक है। और ये जो फ्लैग रॉड लगा, फ्लैग रॉड से एक फिट आगे गाड़ी का बोनट निकला, लगभग एक फिट से समथिंग, थोड़ा सा कम, नहीं तो लेफ्ट साइड में आपका फेंडर निकला हुआ है। तो ये जो आपका मिरर है लेफ्ट वाला, ये बहुत मदद करता है। लेकिन इसके लिए ज्यादातर क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो 10 दिन 15 दिन हो गए गाड़ी चलाते, जब तक उनको टोको ना तब तक उनकी नजर ही नहीं जाती इसमें, समझ रहे हैं, नजर ही नहीं जाती है, तो इसमें नजर जाना जरूरी है। अगर आप इसमें बार बार नजर डालेंगे तो शायद आपको काफी हद तक चीजें, अब देखो लेफ्ट में आपके कितना गैप हो गया, करीब करीब 3 से 4 फीट आपने स्पेस छोड़ दिया, अब वो चीज धीरे धीरे यहां पे आपको दिखने लगेगी।
तो जब आप लेफ्ट वाले ORBM को चेक करना स्टार्ट कर देंगे तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी आप कौन से गियर में चल रहे हैं? सेकंड गियर में। सेकंड गियर की स्पीड क्या होती है मिनिमम मैक्सिमम? 20 to 30। वेरी गुड। 20 पे हम नॉर्मल, अभी जैसे आप बिना एक्सीलेटर चल रहे हैं तो गाड़ी आपकी चल रही है 10+, ठीक है? सेकंड गियर में हो 10+ चल रही है। अगर आप फर्स्ट गियर में चल रहे होते तो 10- चल रही होती बिना एक्सीलेटर, बट सेकंड गियर की जो स्पीड होती वो होती 20 to 30। अब यहाँ से आपको करना है 10, इसको लेफ्ट सिग्नल दीजिए लेफ्ट का, और राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे रहेगा, लेफ्ट वाला क्लच पे रहेगा, और 50% आप क्लच दबा लीजिए क्योंकि गाड़ी आपकी सेकंड गियर में है। गाड़ी आपकी देखो करा फिर कांड कर दिया आपने, झटके से क्लच दबाया और छोड़ दिया। टर्न करो धीरे धीरे और टर्न करो, और आपने देखो यहाँ पे हॉर्न नहीं दिया, आपको यहाँ पे हॉर्न भी देना चाहिए था। स्टीयरिंग गलत मत पकड़ा करिए, जब गाड़ी एकदम सीधी हो गई तो एकदम जैसे कि हम एकदम सीधा 3 और 9 क्लॉक टाइम, इसमें कोई प्ले तो है नहीं स्टीयरिंग में। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।